हाय फ्रेंड्स, आज मच्छर अगर हमको तंग करते रात को सोते वक्त, तो उसका एक वीडियो है। चलो मम्मी आपको दिखाएगी। सो अभी गर्मी का सीजन आ गया है और साथ में मच्छर बहुत सारे आए हैं, तो हमने ये नेट परचेस किया था ऑनलाइन एक साल पहले, तो अब मैं आज इसको लगा रही हूँ। अब हमारे यहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं, है तो नहीं खिल्ली वगैरह, तो मैंने क्या है करके लगाए ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और फ्रेंड्स, पहले मैं इसको लगा देती हूँ फिर बताती हूँ आपको। और फ्रेंड्स, तो अभी मैं ये यहाँ पे लगाऊंगी पर्दे का। यहाँ पे मेरे पास एक है वहाँ पे, जो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे लगाती हूँ इसको। और मैं इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते इस तरह से है पर्दा लगाने वाला, पे इस तरह से मैं लगा देती हूँ हर बार इसको, बांध देती हूँ, फिर जब भी चाहे छोड़ देती हूँ। डोरी बड़ी थी पर बीच में से एक बार टूट गई थी, तो उसके बाद मैं इसको ऐसे ही बांधती हूँ। यहाँ सब हम बांधेंगे इसको। बस अभी जा रहे हैं, टाइम वो नहीं हुआ अभी, टाइम नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये बंध गया और अब हम उस साइड बांधेंगे। तो फिर ये हम दूसरी थोड़ी डोरी लेकर आए, अब मैं यहाँ पे इसको लगा दूंगी। बांधी मैंने गांठ, तो इतना मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब थोड़ी सी दूरी और लूंगी और ये साइड भी लगाऊंगी जहां पे थोड़ा अनइवन बैलेंस नहीं लग रहा है मुझे, थोड़ा सादा कम लग रहा है, तो वहां पे मैं लगाऊंगी इसको। मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ दूरी को। हाय मामा, हाय हाय। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी थोड़ी सी दूरी। यहाँ पे थोड़ा खींच रहा है तो यहाँ पे लगा देती हूँ। चलिए अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा बांध देती हूँ और सेट कर देती हूँ। अब ये लगभग सेट है, इसको बांध देती हूँ यहाँ पे। अब आप सोच रहे होंगे खिली नहीं है तो फिर क्या है, एक्चुअली ये टू वे टेप है, टू वे हुक है, हुक टेप है। अब हम इसको अच्छे से सेट कर देते हैं। इसके पीछे मैं डाल देती हूँ इस पोर्शन को, पर ये बाहर ना निकले। केवल 2 मिनट उतरो नीचे। ओके, अंदर डाल देती हूँ मैं पीछे से, ये परफेक्ट हो जाएगा। थोड़ा वहां से डाल देती हूँ, आगे पीछे मैंने भैया ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इतना परफेक्ट लगेगा। बस आप देखिए, ये थोड़े सल पड़ गए हैं क्योंकि मैंने इसको पैक करके रखा था, थोड़े टाइम बाद ये ऑटोमेटिक स्ट्रेट हो जाएंगे। और ये बन गया हमारा कीटों से बचाने वाला नेट केज। आपको एक बात बताती हूँ मैं, ये खेहुरी का टेंट है। और एक और चीज़ बतानी है मुझे इसमें, एक अच्छा सा जोक मीम्स आया था और वो ये था कि चूहे दानी में चूहा फंसता है, चूहे के पिंजरे में चूहा फंसता है, और पिंजरे में सब एनिमल फंसते हैं, लेकिन मच्छरदानी ऐसी एक चीज़ है जहाँ पे इंसान अंदर सोता है और मच्छर बाहर उनको काटने के लिए उनको बेताब रहते हैं। तो ये मच्छरदानी हमको भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि गर्मी आई है तो हम खिड़की खुली रख के सोना प्रेफर करते हैं, और अगर खिड़की खुली रहती तो मच्छर आते हैं, तो हमें ये नेट प्रोटेक्ट करता है। तो आप लोग भी इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको ये बताना भूल गई कि हम इस तरह से हुक लगाया हुआ है ताकि दीवार ख़राब भी ना हो, क्योंकि ये परमानेंट है नहीं, टेम्प्ररी है। वैसे तो बेड को पूरा स्टिक हो जाए वैसा भी नेट आता है, बट हमें एग्जैक्ट साइज़ वगैरह पता नहीं थी तो हमने यही मंगा दिया।
और हमें काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिला और आराम से इसमें बिल्कुल मच्छर नहीं काटते। मैं आपको वीडियो बताऊंगी कि दूसरे दिन मच्छर किस तरह से इसके ऊपर बैठे हुए रहते हैं और वो भी मरे हुए हालत में, जिसको मैं साफ़ करती हूँ और इस नेट को मैं वॉशिंग मशीन में आराम से धोती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे दो बकेट में पानी में डाल के भी एक दो बार रिंस कर सकते हैं। तो जिस दिन मैं इसका धोने वाला नेट को धोऊंगी उस दिन उसका भी वीडियो बनाऊंगी। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये, एकदम अच्छे से मैंने इसको सब जगह से टकेट कर दिया है और यहाँ पे मैंने बेड को इस तरह से अंदर टक कर दिया है जिससे ये ग्रिप रहेगा और छूटेगा नहीं। चद्दर को देखना मत, अभी क्यूरी ने बिगाड़ा, मैंने पूरा बेड सेट किया था। अभी बच्चे हैं, खेलते रहते हैं और बिगाड़ते रहते हैं और हम पेरेंट्स उसको हमेशा ठीक करते रहते हैं। आप देख सकते हैं कैसे नेट के बाहर मच्छर है जो अंदर नहीं घुस पा रहा है। ये फंस गया क्योंकि हमने नेट लगा के रखी है, इसलिए मेरी डॉटर जो अभी सो रही है वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड है मच्छरों से। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, देखो वो कैसे उड़ गया वो। Why are you running? के हैं दोनों, ऑल आउट लगाया था इसलिए पड़े पड़े। ये देखिए मर चुका है ये मच्छर, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कल मैं इसको साफ कर दूंगी नेट को आजू बाजू से। तो आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।